दोस्तों आपको इस नव विक्रमी संवत की 2080 की आयुर्वेद योगाश्रम की तरफ से डॉक्टर नवीन आर्य की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया साल आपके लिए स्फूर्ति, ऊर्जा, उमंग, उत्साह सब कुछ लेके आए। आपका घर धन धान्य से भरपूर रहे, आपके घर में बच्चों की किलकारियां रहें और बच्चे अच्छी संगति वाले रहें। लेकिन इन सब के साथ कुछ ना कुछ लोग नए साल के लिए अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। नए साल में कुछ लोग अपना धन जोड़ना चाहते हैं, उसको किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, एफडी हो, सो एंड सो। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को इमोशनली साउंड करना चाहते हैं और कुछ लोग अपने आप को वाइज करना चाहते हैं बाय बुक रीडिंग और एनी अदर एक्टिविटी। लेकिन आज आयुर्वेद योगाश्रम की तरफ से जो एक चीज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वो है, आज इस नए साल में आप सब लोग संकल्प लें। किस चीज का? इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करें। और याद रखना, अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किसी भी और तरीके की किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है। लेकिन होता क्या है, हम आज की डेट में अपने डाइट को, अपने आहार को ही ठीक नहीं रख पा रहे हैं। हमारी डाइट में कितना कचरा हम रोज भरते जा रहे हैं। हमारी डाइट में हमने फास्ट फूड को अपनी एक डेली रूटीन बना लिया है। हमारा कोई भी दिन पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, नूडल्स इनसे बिना नहीं चलता है। और जितना ही हम मैदा और जंक फूड अपने अंदर रखते जाते हैं उतना ही हमारी बॉडी पल्यूट होती रहती है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन तो हमारे पास पहले भी थे। हम अपने घर में अनाज कई तरह के हैं। अभी G20 सम्मेलन भी हमारे देश में चल रहा है, उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिनों का स्पेशल मिल्ट्स डे रखा है, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ये सब कुछ आता है। इनको अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आप डायबिटीज से अपने आप को मुक्त रख सकें। इनके साथ जहां तक हो सके, अभी समर शुरू होने वाली है, आप सबके लिए ठंडा मीन्स कोका कोला, ठंडा मीन्स जितने भी हमारे रिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये इसको ना करना शुरू करें। ये कोल्ड ड्रिंक्स, 200 ml की कोल्ड ड्रिंक में लगभग 12 से 15 चम्मच चीनी होती है, कितना नुकसान करती है। कहाँ हम एक छोटी सी मिठाई के लिए अपना नाक मुंह से घोटते हैं कि ये हमारी कैलोरीज बढ़ा रही है, और कहाँ हम इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से अपने अंदर चीनी और भी कई तरह के प्रिजर्वेटिव जो हैं अपने अंदर ले रहे हैं। इनको ना करें। फास्ट फूड जितना हो सकता है ना करें। हमारा और घर में कई तरह के हमारी किचन में वाइट जो एनिमीज हैं, लाइक सॉल्ट, जितना हो सकता है उसको कम खाएं। हमारी डायबिटीज़ के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे लिवर के लिए कितना ज़रूरी है ये चीज़। जितना हो सकता है वाइट रिफाइंड शुगर को कम रखें। ये जो शुगर है किसी भी फॉर्म में ली जाए ये हमें नुकसान ही देती है, इसको जहाँ तक हो सके कम से कम लें। इसके साथ ही साथ मैं हर अपने लेक्चर में ये जरूर बोलता हूँ, हमारे रिफाइंड ऑयल बहुत बड़ी मुसीबत है हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट करने में, हमारी हेल्थ को खराब करने में। आप अपने घर में 3 तरह के ऑयल रखें, उसमें सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल है, दूसरे नंबर पे देसी घी है, तीसरे नंबर पे ऑलिव ऑयल और राइस ब्रांड का कम्बिनेशन है। इनको अपने घर में रखें और बारी बारी से बदल बदल कर इनको इस्तेमाल करें अपनी डेली डाइट में। ये भी नहीं है कि हमेशा तीनों दिन और साथ एक वीक के सारे दिन आपने देसी घी ही यूज़ करना है। बदल बदल कर यूज़ करें ताकि हमारी बॉडी उनमें से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सके। जितना हो सके शाकाहार को अपनाएं, ये हमारे एक ह्यूमन बॉडी के लिए ही बना है, मांस हमारे लिए नहीं बना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जितना हो सके शराब और सिगरेट, ये 2 ऐसे नशे हैं जो आज हर घर में, ये नहीं देख रहे हैं कि घर में बच्चा है, बुजुर्ग है, मेल है, फीमेल है, हम इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। हमारे इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी लगती है। और कुछ लोग अपने टेस्ट से नहीं लेते, स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं। अभी लास्ट वीक मैं दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ कुछ जानकार मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हमें कोई डील क्लोज करनी है तो उसके लिए तो ड्रिंक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं है। मैं लगभग 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, डील्स की बात छोड़िए, हम आज जिस मुकाम पे हैं
हमें उसके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा है। तो आप भी उस रास्ते को फॉलो करें, उसके लिए शराब और सिगरेट का सहारा कभी ना लें, और कितने भी और नशे हैं, हम अपने जितने युवाओं को इन नशों से दूर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें डाइट में अपने आप ऊपर शामिल करते जाएंगे, आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करते जाएंगे। इस डाइट के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आप ज़रूर जोड़िए। आपने सुबह की शुरुआत फ्रूट से करनी है, थोड़ी क्वांटिटी का कोई भी सीजनल फ्रूट हो। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कॉस्टली फ्रूट ही सारी चीज़ें देता है, कोई भी जो सीजनल फ्रूट आपकी कंट्री में आपकी सिटी में हो उसको कंज्यूम करें डेली अपनी डाइट में। रात के खाने में और सोने में कम से कम आप 3 घंटे का फर्क जरूर रखें। रात के खाने के बाद आप कोशिश करें लीकोड किसी भी फॉर्म का हो तो उसको अवॉइड करें। थोड़ा सा सैर करना खाना खाने के बाद बहुत ज़रूरी है। ये सब थी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करती हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत कंपलसरी है, अगर आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आज से ही इस विक्रमी संवत में ये प्रण लें कि मैंने इसको अपनी डेली लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। मैंने योग करना है, मैंने प्राणायाम करना है, मैंने रनिंग करनी है, मैंने जिमिंग करनी है, कोई भी गेम खेलनी है, इसको अपनी एक एसेंशियल हैबिट्स बनाइए। जिस तरीके से आप रोज खाना खाना नहीं चूकते, उसी तरीके से आप अपने शरीर को बिना पसीना बहाए नहीं रहने देना है, किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व होना है। और तीसरी और लास्ट बात, कभी भी किसी भी काम के लिए अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए। जब भी मैं नींद की बात करता हूँ, मुझे नीचे आपके जैसे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स आने शुरू होते हैं कि हम तो पहले ही 8-10 घंटे सो लेते हैं और कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। नहीं, 10-10 घंटे सोना भी बहुत गलत है। हम कभी भी किसी पर्सन की नींद को फिक्स नहीं कर सकते हैं कि वो 6 घंटे हैं या 8 घंटे हैं, लेकिन एक एवरेज टाइम स्पेन माना जाता है, एवरेज 7 आवर्स की स्लीप लें। इसको आधा घंटा कम करें, 1 घंटा कम करें या आधा घंटा ज़्यादा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह उठ के तरोताज़ा रहने चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज, ये हमारी जो एक अंग्रेजी की कहावत है, हमारे हिंदू शास्त्रों से ली गई है, इसको अपनी जिंदगी में उतारें। एक बार फिर नवीन आर्य की तरफ से, आयुर्वेद योगाश्रम की तरफ से और डॉक्टर अंजू आर्य की तरफ से आप सबको इस नव वर्ष की 2080 विक्रमी संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।